ఛామి సమయ పాహుడ మేమోసు కేవలి వణిదం నాదునా స్వర్ణం. आश्रव को जानकर नियतिम कुणदि जीवो जो उससे निवृत्त होता है, ऐसा जानकर कि आश्रव भाव दुख रूप है, दुख का कारण है, अशुचि है, विपरीत भाव वाले हैं, वह आश्रव का त्याग करता है. ये मूल गाथा है. कल इसकी टीका में हमने अशुचि, विपरीत भाव, दुख का कारण, ये आश्रव की तीन विशेषता जानी और साथ ही साथ आत्मा परम पवित्र पदार्थ है, दुख का कारण है और चेतक स्वभाव वाला है, कल देखा था. और भी कल हमने न्याय के भाषा में यहाँ पर देखा था, जो जीव और आश्रव के भिन्नता का ज्ञान हुआ है वह भेद विज्ञान है, वह ज्ञान है या अज्ञान. वह जो ज्ञान है वह भेद विज्ञान है या अज्ञान. यदि अज्ञान है तो जब अज्ञान ही है ये तो तुम बोल ही नहीं सकते. तुम तो ये बोल रहे हो कि ज्ञान हुआ है. तो ज्ञान हुआ है तो हमारा ये प्रश्न है कि निवृत्त हुआ है कि नहीं आश्रव से. यदि प्रवृत्त है तब भी इस भेद विज्ञान की क्या विशेषता रही, और यदि निवृत्त हुआ है तो ये सिद्ध हो गया कि भेद विज्ञानी के आश्रव का निरोध होता है. और उत्थानी कल हमने इसकी पढ़ी थी, ज्ञान मात्रा ते एव बंध निरोध, ज्ञान मात्र ही से बंध का निरोध होता है. अब एक अच्छी चर्चा उठाई है टीकाकार ने. शंकाकार को एक शंका उत्पन्न हुई कि जब ज्ञान ही से बंध का निरोध होता है तो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र किस काम का है. तो फिर जब ज्ञान ही से सब कुछ होता है तो श्रद्धा और चरित्र तो यूजलेस हो गया. एक बात तो ये हुई, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस ज्ञान में श्रद्धा और चरित्र शामिल करके बात कर रहे हैं, इसलिए उसको एकांत लगा है. ये वो कहता है ये तो ज्ञान नहीं का एकांत हो गया. ये समझ रहे सब? 47 नयों में दो नए डाले हैं, बहुत अच्छा. क्रिया ने, अच्छा अच्छा, आपने अभी पढ़ा है ज्ञान नहीं क्रिया ने. 38-39 इसलिए एक सूत्र प्रचलित हुआ, आपने सुना होगा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष. बराबर, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष. खरेखर इसके तो दो अर्थ है, ज्ञान की क्रिया से मोक्ष होता है एक, और ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है. वहां पर क्रिया का अर्थ शरीर की क्रिया ऐसा तो लेना ही नहीं है, आत्मा की क्रिया अभिष्ट है. तो क्रिया मतलब निवृत्ति, और एक प्रकार से ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कहकर ज्ञान श्रद्धा चरित्र ऐसे तीनों अभिष्ट थे वहां पर. ठीक है पंडित जी? हाँ जी. क्रियाभ्याम द्वितीय विभक्ति है ना, तो इसमें तीनों कैसे गर्भित हो जाएंगे? तो होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? दोनों कोई दो होंगे ना द्वितीय विभक्ति. तो इसका अर्थ ऐसा करेंगे, ज्ञान में श्रद्धा शामिल करेंगे और क्रिया में फिर चारित्र शामिल, चारित्र लेंगे, ऐसा करेंगे. फिर ऐसे भी होते हैं श्रद्धा और चारित्र, वो श्रद्धा और चारित्र को एक रूप से क्रिया बोल रहे हैं. हाँ. और फिर क्रिया का उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी. ऐसा कर सकते हैं, अभी जो भी जैसा भी हो, जैसा मैंने कहा है वैसा कहोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं हो उसमें. ठीक है,
अभी बात यह है कहने की, शंकाकार की शंका यह है कि मात्र ज्ञान से कैसे काम होगा। तो इस भ्रम से यदि कोई मात्र ज्ञान करे बिना निवृत्ति वाला, तो आचार्य देव ये कहते हैं उसको ऐसा नहीं, ज्ञान वही है जो जिसके साथ निवृत्ति हो। इसलिए ज्ञान नय ने भले ही ज्ञान की तरफ से कथन किया था, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना था कि जो अपर पक्ष है, कौन सा अपर पक्ष, श्रद्धा और चरित्र वाला, वह भी शामिल ही है, क्योंकि ज्ञान नय से ज्ञान से मुक्ति होती है और क्रिया नय से क्रिया से मुक्ति होती है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आचार्य देव ने कहा है कि ज्ञान नय का अंश ऐसा, ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञान नय का हमने खंडन कर दिया। कितने जन ने बात को पकड़ा? सुनो सुनो, अगेन अगेन, देखो देखो। वैसे आप ये बात समझ लो, ज्ञान का अर्थ होता क्या है? ज्ञान का अर्थ एक तो ज्ञान गुण है, जानना। ज्ञान का एक अर्थ आत्मा होता है ना। ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रगट पुकारा आप। ठीक है, ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त। ज्ञान कहकर ज्ञान ही नहीं समझना, वहां पर संपूर्ण आत्मा समझना। ज्ञान के कितने अर्थ कर रहा हूं मैं? तीन। एक तो ज्ञान का अर्थ आत्मा, एक तो ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण। ज्ञान गुण के रूप में भले आप उसको पर्याय ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और सम्यक पर्याय भी ले सकते हो ज्ञान की, वो भी एक अर्थ हो सकता है। और एक तीसरा अर्थ ज्ञान का जो यहाँ पर दिया है, मिथ्या ज्ञान को इस प्रकरण में ज्ञान कहा गया है। तभी तो यहाँ पर बात क्या ली इन्होंने, ज्ञान का अंश ऐसा ज्ञान नय का एकांत। तो ज्ञान नय का एकांत, तो ये तो नया भास हुआ ना, नया भास हुआ, तो वो कोई सम्यक ज्ञान का तो अंश नहीं हुआ। निरपेक्षा बोलो, बात को पूरी करो। निरपेक्षा नया वस्तु अर्थकृत, थोड़ी बहुत ये बता रहा है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु अर्थकृत, ये कहा की बात है। ये आप्तमीमांसा के एक शॉर्ट कार्य का, एक शॉर्ट नंबर के आप्तमीमांसा हम कब पढ़ेंगे? अरे भैया, ये छह ढाला में तीसरे ढाल है ना, वहां पर उद्धृत किया ये अर्थ। अब अर्थ भी अच्छे से पढ़ेंगे छह ढाला का, तो उसमें उद्धृत करके डाला है। क्या बोला जा रहा है? निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। जो निरपेक्ष नए है वे मिथ्या है। निरपेक्ष ने मतलब जो अपर पक्ष को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एकांत है, नया भास है, वे सब मिथ्या है, कुनय है। और सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, और जो सापेक्ष नए है वो वस्तुतः वास्तविक रूप से अर्थकृत, अर्थकारी है, प्रयोजनकारी है। आप सब समझ रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो ज्ञान का अंश, ज्ञान का अंश ज्ञान नय का एकांत, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उस ज्ञान का अर्थ क्या लेंगे फिर? ज्ञान का अंश सम्य, ये ज्ञान नय का एकांत। तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान लेंगे, क्योंकि मिथ्या ज्ञान का अंश ही एकांत हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि सम्यक ज्ञान के अंश ये निश्चय व्यवहार दोनों हैं, और एक ही कोई यदि अंश बनता है तो सम्यक ज्ञान का अंश नहीं है फिर, वो तो मिथ्या ज्ञान का अंश है। आप सब पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये ज्ञान का तीसरा अर्थ यहां से किया है। हम सब इसको पढ़ेंगे थोड़ा। बेटा लाइट चालू करना, टॉर्च का आगे।
चलो लाइट चालू हो गई। अब सबके सामने ग्रंथ है, कितने जनों के सामने ग्रंथ है? सबके सामने, सब देख सकेंगे इसको? नहीं तो आगे पीछे सरक ले गए, क्योंकि अकेले पढ़ेंगे आप तो समझ में आने वाला नहीं है आपको। ये देखिए, ये टीका के अंतिम दो तीन लाइंस, ऐसा सिद्ध होने से क्या? ऊपर और एक लाइन पढ़ू मैं पहले, और यदि आश्रम से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलाएगा, अर्थात सिद्ध हुआ कहलाएगा। राग द्वेष निवृत्त हुए हम उसी को ज्ञान कहते हैं, इसलिए हम उन्हीं को पंडित जी कहते हैं जो विरक्त हो। ठीक है, ऐसे कपड़े पहनते हो और ऐसा भोजन करते हो, सचमुच ऐसा नहीं? हाँ, ये भी राग द्वेष घटने का प्रतिफल तो हो सकता है। ऐसा क्या? ऐसा पहनते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, हो सकता है, लेकिन वहां से नहीं लगाना। अभी कह रहे हैं राग द्वेष जिनका घटा, यो जानति सुपंडिता, अयम आत्मा शरीरेशु यो जानति स पंडिता। बोलो, छंद कोई बोलेगा पूरा? छंद बोलेगा कोई? पाषाणेषु यथा हेम, काष्ठमध्ये यथा वह्नि, तिलमध्ये यथा तैलम। ज्ञान में है ये सब? ये अच्छा, ये परमानंद स्तोत्र में है ये सब। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, ऐसे चार उन्होंने उदाहरण देकर ये घटित किया। इस प्रकार इस देह में आत्मा विराजती है ऐसा जो जानता है, यो जानती स पंडिता। ठीक है, पंडिय पंडिय पंडिय, क्या आगे क्या बोला? और मूल माल को छोड़कर ये तुझको कूट रहे हो। ठीक है, देखिए आगे, ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान कांश ऐसे क्रियाने का खंडन हुआ। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान कांश ऐसे क्रियाने का खंडन हुआ, और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद विज्ञान भी आश्रमों से निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान कांश ऐसे ज्ञाने का भी खंडन हुआ। बात इतनी सी है, एक का आग्रह करोगे दूसरे का खंडन होगा। तो ना क्रिया का खंडन करना ना ज्ञान का खंडन करना। चारित्र तो साक्षात धर्म है, चारित्रम खलु धर्मम, तो उसको उखाड़ के कैसे चलेगा? और ज्ञान के बल पर ही सब जीतना है तो ज्ञान को भी गौण करके कैसे चलेगा? मैं एक प्रश्न पूछूं, ज्ञान पहले कि चारित्र पहले? बताओ, ज्ञान पहले कि चारित्र पहले? अब इसमें से अद्वैत चली लगेगी। हम अध्यात्मी लोग ये कह सकते हैं पहले ज्ञान होता है, चरित्र बाद में होता है। चरित्र थोड़ी ना पहले होता है, से अद्वैत चली से काम चलेगा कि पहले ज्ञान होता है बाद में चरित्र होता है। ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान, और चरित्र मतलब चरित्र की पूर्णता। और जिनका कहना पहले चरित्र होगा पहले ज्ञान होगा, तो वहां पर चरित्र का अर्थ मुनि दशा और ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान बाद में होता है, चरित्र पहले होता है तो भी चलेगा। बात आप कैसे पुट अप करते हो उस पर निर्भर पड़ती है। ए फालतू ध्यान दो ना तुम यहाँ पर, चलना है आगे। ये 72वीं गाथा की टीका हमने देखी, महत्वपूर्ण गाथा की तरफ बढ़ते हैं 73वीं। ये भी आध्यात्मिक गाथा है, इसमें भी लगभग वे ही बोल है जो 38वीं गाथा में आए थे। ठीक है, हमें को फल सुधो निम्ममो नान दंसन समगो तम हिटि दो तचितो सवे ए देखयम नेमी। पढ़ी है, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रुग्यान
चित लीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। मूल शब्द पढ़ा है खयम नेमी, अर्थ किया है कि ये सब क्षय करूं, है ना? गलत तो अपन कुछ नहीं बोलना चाहते ऐसा, लेकिन टीकाकार ने क्षपयामी, मैं कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी करूंगा जिससे अपने आप क्षय हो जाएंगे, ये क्षय को प्राप्त हो जाएगा, कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाएगा। गाथा में क्या बोल रहे हैं, मैं क्षय करता हूं। टीकाकार ने क्या बोला, अनुवाद भी देखेंगे तो अनुवाद वैसे उन्होंने करता हूं ही लिखा है, लेकिन मूल हम संस्कृत देखते हैं तो वहां पर यह है मैं कराता हूं, मतलब मैं कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी करूंगा जिससे अपने आप वो सरेंडर करेगा, हथियार अंदर डाल देगा। जीव को कर्म का क्षय करना नहीं है, तो जीव कुछ ऐसी परिस्थिति करे कि कर्म अपने आप क्षपण को प्राप्त हो, करने धरने का भार जीव पर बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभी भी एक बोल पड़ा, बोलो हमने पिछले इसमें, जीव बोलो दुख का अकारण अकारण, सुख का कारण नहीं, कारण मत दो, गाली है बहुत बड़ी है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यही कि मैं कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी करूंगा जिससे कर्म क्षय को प्राप्त होगा। अभी देखिए भावे का दरिद्रता, भावों में दरिद्रता क्यों करें हम? स्वप्न में यदि हमको लड्डू खाना ही था, उदाहरण एक देश क्यों, स्वप्न में भी कुछ खान पान के स्वप्न आने नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन यदि स्वप्न में लड्डू खाना ही था तुमको, तो भले आदमी तुम बादाम काजू का खाता, तुम ये आटे फाटे का क्यों खा लिया तुमने? जब तुमको भाव करना ही है तो तुम ना लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। तो जब भाव बहाना है, देखो ये कोई आचार्यों को पता वाता है नहीं क्या, पंचम काल में कोई क्षय वय होता नहीं है मोह का, लेकिन ये भावुकता के जोर में ऐसे कथन कोई अनुचित नहीं है। क्या बोल रही है, मैं क्षय कराता हूं, और पंचम काल में क्षय होता नहीं है कायदे से, लेकिन हल्की बात क्यों करे अपनी तरफ से, ठीक है। अभी देखिए 72वीं गाथा की थीम क्या है, ये 73वीं कि वो राग द्वेष से निवृत्त होने की विधि क्या है, आत्मा क्या विचार करे जिससे राग द्वेष से निवृत्ति होगी, ठीक है। देखो हम जगत में जाए बाहर, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहते हैं टेंशन कम करो, डॉक्टर एक ही क्या कहता है, अब व्यापार धंधा देखना बंद कर दो। फिर कोई कहता है आप एक काम करो, आप जहाँ पर मन बहले वहां पर जाओ, मतलब जगत में जितने भी उपाय बताए जाते हैं टेंशन फ्री करने को, अब भी वैसे ही मैं मन लगा कि कभी अखबार पढ़ने का तो सच में सवाल नहीं, सालों से मुक्ति का अखबार आता है हिंदू जो भी आता होगा, तो थोड़ा बहुत कभी देख लेता हूं। तो एक लड़की है आज के अखबार में, वो लगाए है सुन रही है, और वहां पर हेडिंग ये डाला है उन्होंने कि दिस डिक्रीजेस योर डिप्रेशन, और इफ यू डोंट टेक हेल्प ऑफ सच अप्लायंसेस देन कंडीशन इतनी क्रिटिकल होगी, तो वे कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी गिरेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरेगा, इसलिए कभी चेंज के लिए थोड़ी सी म्यूजिक बहुत जरूरी है, समझ रहे? देखो ये हमारे ये जगत के पास दूसरा कोई समाधान नहीं है, ये क्या चाहिए तुमको? सुनो सुनो, बोलो मत बोलो मत, मतलब मुझे कहना यह है कोई डॉक्टर के पास जाए कहीं भी जाए तो वो कोई सहयोग की ही बात करते हैं डिप्रेशन हटने के लिए, अथवा यूं कहेंगे कि आप एक काम करो,
अब किसी आश्रम में जाकर रो, फिर वहां पर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यह सब चरणन योग की शैलियां है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की। लेकिन अध्यात्म ये कहता है बांस बोलो रहते हुए बांसुरी नहीं बजना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि बाहर की तो कोई बात ही नहीं कह रहे, मोह का मोह से निवृत्ति कैसे होगी, कह रहे मैं ज्ञानमय हूं ऐसा जानो, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं करना हमको। देखो मैं एक शुद्ध ममत्वहीन, मूल शब्द निर्मम पड़ा है, निर्मम निर्मम, ये देखो सुनो सुनो, लोक में गाली मानी जाती निर्मम ना, आपने कभी ऐसा कैसे निर्मम हो तुम, पत्थर दिल वाले बराबर बोल रहे हैं। देखो ये सिद्ध चक्र मंडल विधान में भगवान को एक विशेषण दिया, ज्ञान में होगा आपको, और एक अर्घ्य चढ़ाया भगवान के नाम पर, अत्यंत निर्देन महा, भगवान को क्या अर्घ्य चढ़ा है, बहुत निर्दय है, बहुत निर्दय है भगवान, तो निर्दय भैया ये उनका गुण है, गुण निर्दय मतलब दया करना, दया पालो ये दुर्गुण है दया पालने का भाव, ठीक है। और भगवान के अतिशयों में कितने अतिशय भगवान के, अतिशय 34 है, 34 अतिशय, 34 अतिशयों में एक अतिशय है भगवान का, दया का अभाव। कोई अदया का अभाव लिखा मिलेगा, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा आपने आज तक, पढ़ते क्या हो तुम लोग, अदया का अभाव पढ़ा, दया का अभाव ये अतिशय है, मिरेकल, दया का होना दिस इज नॉट मिरेकल, समझ रहे, अदया का अभाव नहीं, दया, सुनो बैठने का कोई मतलब नहीं है तुम दोनों का यहाँ पर, देखो फालतू समय बर्बाद हो रहा है, तुम ऐसी जगह बैठे हो और तुम उसकी रक्षा करने बैठे हो बेवकूफ कह के, मुझे एक एक बच्चा स्पष्ट दिखना चाहिए ना यहाँ से, और तू जबरदस्ती से ऐसा बैठ गया इसके एक इशारे पर, तो तुम्हारे दिमाग का प्रयोग नहीं करते तुम, क्या बोल रहा, हाँ तो चर्चा अपनी आई थी निर्मम, मैं निर्मम हुआ ऐसा विचारो, मुझे किसी से ममता नहीं, मैंने पहले भी आपको कभी कहा था कि लोक में आत्मीयता ये गुण माना गया है, सबसे आत्मीयता रखनी चाहिए, और देखो अपना समझकर काम करो ना तुम लोग, गुण गुण मानते हैं इसको लोक में, कहते हैं बिल्कुल गलत है ये, अपना समझकर हमारा भी काम नहीं करना चाहिए, दूसरों का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्या बोला मैंने, अपना समझ कर अपना भी काम नहीं करना चाहिए, अपना ही काम नहीं करना चाहिए, दूसरों का काम अपना समझ कर, ये तो चोरी हो गई, लोक में जो गुण है वो यहाँ पर महादुर्गुण है, समझ रहे, देखो और वंस वन मोर थिंग, देखो पूज्यपाद स्वामी को दान की परिभाषा बतानी थी, दान की बोलो भैया कोई तत्व और सूत्र का सूत्र बोलो दान का, अनुग्रह मजे की बात है, स्वस्य अति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम, क्या बोले, अनुग्रहार्थम का अर्थ ये खोला, बहुत रहस्य है इसमें मैं बता रहा हूँ, इतने मजे की बात है, मतलब आनंद करना चाहिए। अभी अभी एक जन को पुरुषार्थ का अर्थ बताया, ये भी आपको बताऊंगा मैं थोड़ा, अभी पहले मैं इसको निपटाऊ, अनुग्रहार्थम पहला शब्द डाल के क्या बोल रहे वे, उपकार के लिए, किसके, तो स्वस्य कहते हैं स्वयं के और दूसरों के, स्वयं पर उपकार पहले होता है, क्यों, अरे ये परिग्रह कीचड़ से दूर होने का स्वर्णिम अवसर आया उसके निमित्त से, तू और तेरे पाप कहाँ धोता, अब समझते हो मेरी बात को, तो स्वयं पर उपकार हुआ है खरेखर, मतलब पात्र का दातर के ऊपर उपकार है कि दातर का पात्र के ऊपर, अरे पात्र ना मिलते, देखो हम मुनि को आहार दान देते तो स्वयं को कितना कृतकृत्य मानते, और वही किसी को पैसा देते हम मान के चले 1,00,000
चलो तुम धर्म में लग जाओ, तो हम खरेखर ऐसा मानते हैं क्या उनका हमारे ऊपर उपकार हो? या हमारे समझ का फिर समझ में आ रहा है? वहां पर तो हम समझते हैं हम बड़े बड़े चढ़ के हो गए और वे नीचे हो गए। अब मैं तो ये कह रहा हूं अनुग्रहार्थम, उपकार के लिए। उपकार की परिभाषा क्या होती है? उपकार की परिभाषा मिथ्या दृष्टि को मोक्ष का मार्ग में बढ़ाना, ये उपकार है। गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। कहा की बात है ये 8वें अध्याय की बिल्कुल पहली लाइन, मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग में लगाना यही सर्वोत्कृष्ट उपकार है। गणधर तीर्थंकर भी ऐसे उपकार करते। तो स्व तथा पर का उपकार के लिए दान करना, वो भी मोक्ष मार्ग में लगे, हमारे भी मोक्ष मार्ग बढ़े, परिग्रह रूपी बोझा हटके। समझ रहे? देखो टोकरी लेके जा रही कोई महिला, बहुत भारी गिरने को है, किसी ने आकर हेल्प की, थोड़ा सा हाथ लगाया कि हम भी थोड़े ले रहे हैं, कैसा लगता है? कैसा लगता है? अरे महिला को कैसा लगेगा? अच्छा निर्भर हुआ। उसी प्रकार हमारे परिग्रह रूपी बाहर से हम दब रहे थे, ये परम उपकारी है, हमारा बाहर कम किया इन्होंने, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ी, मैं तो दूसरी बात कहनी है। पूज्यपाद स्वामी ने इसका अर्थ करते समय ऐसा लिखा, स्वस्य अति सर्गो का, जगत में जिसको अपना पैसा कहते हैं, ऐसा नहीं अर्थ किया उन्होंने, नहीं तो कैसा अर्थ करते कोई बताएगा मुझे थोड़ा? कार्तिक बोलो क्या अर्थ करते इसका? जो अपना पैसा, बोलो बोलो एक मिनट बोलो। सामान्य अर्थ अपन क्या करते उस सूत्र का? जो पर का उपकार करे बस वही, शोक और पर का उपकार करे। अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्ग दानम, इसका अर्थ क्या करते अपन? अतिसर्ग मतलब त्याग, अपने पैसे का त्याग करना, ये सीधा यही तो अर्थ निकल रहा है। पूज्यपाद स्वामी ने इसका अर्थ करते समय ऐसा किया, लोक में जिसको अपना पैसा कहते हैं, ये कहकर बहुत अच्छी बात कह रही है ये। क्या बोलो, कोई बोला बीच में? बहुत अच्छा, एक बात तो ये फलित हुई, लूटपाट के जो कमाता है पैसा उसको लोग कोई हमारा पैसा नहीं कहते, तो वो पैसा दान में लगाना नहीं, बात एक। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, मेहनत की भी कमाई होगी, इस अहम में मत नाचना कि मेरा है, बस साम व्यवहारिक सत्य है ये कि ये तुम्हारा पैसा है। आप समझते हो, चोरी चपटी का नहीं है, पड़ोसी का तो नहीं है, और अपने जेब का है, ये लोक की बात है ये। शैलेंद्र क्या बात है? ठीक है चलो, मैं तो इतना क्यों कह रहा हूँ, मैं ये शब्द ये निर्मम, मैं निर्मम हूँ ऐसा अनुभव, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, दर्शन ज्ञान से समग्र हूँ, समग्र कहकर अपने आप में परिपूर्ण कहते ना, व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, तो फिर कहते समय क्या उत्तर देते लोग? टू बी अ कंप्लीट मैन, क्या बोलते हैं? टू बी अ कंप्लीट मैन, नहीं सुना आपने कभी? सुना है ना, ये तो बहुत ऐसा होता रहता है। सुनो सुना अभी ये रेमंड्स का क्या है आपको पता है? ये कैप्शन रेमंड्स का कैप्शन नहीं पता आपको? सुनो सुनो रेमंड्स का कैप्शन है द कंप्लीट मैन, नहीं सुना? मैं भूल गया। चलो चलो ठीक है ठीक है, सुनो अभी मैंने ये क्यों बोला इतना कंप्लीट बने का समग्र, मैं ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ, कंप्लीट, मेरे में इनकम्प्लीटनेस नहीं है। तो व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, तो उपचार से भी कहेंगे तो ये कहेंगे टू सी माय सेल्फ कंप्लीट। देखो इसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, और बड़े बड़े पर्सनालिटी शोज में तो कहते टू बी ए कंप्लीट मैन। अब व्हाट इज कंप्लीटनेस, किसी को ही नहीं पता नहीं कंप्लीटनेस क्या है। सेल्फ अपने पैरों पर खड़े, हाँ अपने पैरों के ऊपर खड़े हुआ ऐसा लोग में कहते। फिर पैर मतलब, फिर पैर पर खड़े होने के लिए देखो, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने पैर की परिभाषा पहले पता चाहिए आपको। अपने पैर, पैसा हमारे पैर है, इज्जत हमारे पैर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टेटस हमारे पैर है, अरे उसके बिना हम लूला लंगड़ा अनुभव करते हैं। ये बीवी बच्चे हमारे पैर है, सोने द्वार होना
तो हमारा पैर दर्शन ज्ञान चरित्र ये हमारे पैर है, उस पर हम, और ये तो लड़खड़ाते चल रहे हैं हम बाह्य विषयों के सामग्री के सहयोग से। हम एक को खुल सुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो तम हिटिदो तच्चित्तो, उसमें स्थित होकर और उसी में संतुष्ट मैं रहूं सव्वे एदे कयमणे में, इस प्रकार हर सब प्रकार के मोह का मैं क्षय कराता हूँ। इसमें टीका में थोड़ा सा विचारना है हमको, तो मुझे टाइम बताना, 5 मिनट। शुद्ध का अर्थ यहाँ पर नया आया है आज, कितने शुद्ध हुए हैं दीपक, शुद्ध कितने हुए दीपक, कौन सा भजन गाया आज, कौन सा भजन गाया, शुद्ध के कितने अर्थ हुए, कौन कौन से, 31वीं गाथा में कोई शुद्ध बोल नहीं है, 6वीं गाथा में एक शुद्ध बोल है, और एक 38वीं गाथा में है टीका में, टीका में खोला अर्थ को। अब ये शुद्ध तीसरी दफे शब्द आया, और कहीं पर खोला ही 12वीं वालों को प्रश्न, ये टोडरमल जी साहब ने हर एक शुद्ध के अर्थ खोले, कहाँ खोले, 7वें अध्याय में तीसरे पेज पे, बहुत अच्छा। निश्चयाभासी के प्रकरण में वो ये कहता है कि मैं शुद्ध हूं, तो टोडरमल जी ने उसको पकड़ लिया और ये बोल रहे हैं, तो क्या बोलता रहता है आंखें बंद कर करके, मैं शुद्ध हूं मैं शुद्ध हूं, इसका भाव समझते हो, कहते मैं शुद्ध हूं। तो फिर उन्होंने 73वीं गाथा का उद्धृत किया टीका का, और 6वीं गाथा की टीका का भी शुद्ध अर्थ उद्धृत किया, याद आ रहा है कार्तिक, नहीं, और फिर ये बोले मैं तो शुद्ध होने लायक हूं ऐसा मान, पर ये तो तुम्हारी अशुद्ध चल रही है, और शुद्ध तू द्रव्य द्रव्य दृष्टि से है, समझ रहे, चलो आगे। तो शुद्ध का अर्थ किया क्या यहाँ पर, यहाँ पर ये लिया षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण पार, इसके कितने बोल हो सकते हैं, बोल क्या होंगे, मैं अपन परद्रव्य, एक परद्रव्य खड़ा करो जिसके प्रति ज्यादा मोह है हमको, और हम बिल्कुल 24 घंटे में एक सेकंड भी ऐसे नहीं लगता कि इसमें परत्व होगा शरीर, ओके, मैं क्या हो गया, कोई बात है क्या, मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं, एक बोल, मैं शरीर का कर्म नहीं हूं, मैं शरीर का करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकरण, ये 6 बोल, 6 बोल पलट कर लगा दो, शरीर मेरा, सुनो, शरीर मेरा, मैं शरीर का करता हूँ ऐसा तो कोई मानता होगा, शरीर मेरा करता है ऐसा कोई मानता होगा, जो ये कहते क्या करे अभी शरीर साथ नहीं देता, बस वो ये मानते शरीर अपना कर रहा था, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं साथ नहीं देता, आज तक के अनुकूल चल रहा था तो ये कहता था मैं शरीर को सब देखा हूं, मैंने मेंटेन किया है, फिजिक मेंटेन की है, देखो मैं एक बात बताऊ फिर बस करूं, कल देखेंगे, एक जन की इंटरव्यू ली, भूलना नहीं इस बात को, उसकी एज थी 93 और वो लगता था आदमी 60, अब मैं ज्यादा क्यों बोलू कि 39 का ही लगता था, 70 लगता था, तो इतनी तफावत 40 साल की। तो उसको पूछा कि ये रहस्य क्या है आपके स्वास्थ्य का, ठीक है, तो उसने उत्तर ये दिया, अभी वैसे इंटरव्यू लेने जाओ आप एक एक की, कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, तो कहते हैं साहब मैं 20 साल से जिम जा रहा हूँ, फिर एक जने कह रहे मैं खान पान पर बहुत ध्यान देता हूँ, मैं बाहर अभी बाहर नहीं खाता, मैं ब्रेड बटर या बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाता, आदि आदि। किसी को और पूछो देखो मैं कितने साल हो गए शाम को भोजन छोड़ दे मात्र फल खाता हूँ, ये आप 100 जनों की इंटरव्यू लेना, अच्छे स्वास्थ्य वालों की इंटरव्यू में, इससे हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत बड़े साहित्य की इंटरव्यू ली, देवेश को क्या उत्तर दिया होगा उसने, आप
इतना अच्छा स्वास्थ्य है आपका, इतनी आयु आप जी रहे, इतने अच्छे, इसका रहस्य क्या है? तो उसने बोला, देखो ये भी रात्रि भोजन की तरफ से बोल रहा है, उसने बोला कि बोले कि ये अभी तक मैं इतना फिट कैसे हो और मैं अभी तक जिंदा कैसे हो? ये तो बोले अभी तक मरण नहीं आया इसलिए मैं जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ बोले रोग तो बोले इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और ये सब जगह पेपर में छप छप के आई थी, बहुत बड़ा साहित्यिक हो मेरे टाइम की बात है। तो उसके पीछे इतनी प्रशंसा हुई सबकी, वो किसी को क्रेडिट नहीं दे रहा है, मैं जिम कर रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं। वो कह रहे अपने शब्द में, आज तक मरण क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे आयु कर्म का उदय, उसमें क्या बड़ी बात, मतलब इसमें मेरा अपना पर्सनल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कहकर मैं क्या कहना चाहता था, ये जो षटकारक हम पर धर्म के साथ घटित कर रहे हैं, कर्ता नहीं कर्म करण संप्रदान अपादान में, तो मैं ये हाँ शरीर को अपना करता ये कौन कहता होगा? ये अपन कहते हैं ना, साथ नहीं देता है अभी, मतलब ये साथ देता था तो काम होता था, मतलब यही कारण था और मैं कर्म था, ये उसके दिमाग में बैठी है। और अनुकूलता में यह स्वयं को कारण और शरीर को कार्य, अरे कारण कार्य ऐसा दो मानता ही नहीं है कायदे से। कारण कार्य तो तब देखे जब दो देखता हो, एक ही देख रहा अभिन्न, दो देखे तब तो फिर देखो दो में कर्ता कर्म हो ये टूटना बहुत सरल है। अभी तो एक ही देख रहा है ये शरीर में, कर्ता कर्म तो तब खड़ा हो जब दो दिखे पहले। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, देखेंगे कल।